हेलो एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 11वां पार्ट है। और चलिए हम महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा स्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो बताइए, गतिरोध या स्टैगफ्लेशन? गतिरोध कहेंगे या स्टैगफ्लेशन। और बताइए, मुद्रा स्फीति को किसके द्वारा रोका जा सकता है? आप आंसर बताइए, मैं आपको दे रहा हूं। बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती, या सभी? आंसर आप इसको बार बार सुने। और नेक्स्ट, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब लगातार कीमतें बढ़ती जाती है हर सामान की, तो उसको क्या बोलते हैं? मंदी या मुद्रा स्फीति? और बताइए, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? माल्थस या जेबी से? मुद्रा संकुचन का क्या अर्थ है? निर्यात की तुलना में आयात में कमी, या माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी? और ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? उपभोग एवं मांग से या मुद्रा के प्रचलन से? हवाला क्या है? हवाला बहुत मशहूर हुआ था, हवाला क्या है? शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन या विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार? और किन देशों की मुद्रा प्रायः हाई करेंसी होती है? विकासशील देशों की या विकसित देशों की? सॉरी, बताएं, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा या विधिग्राह मुद्रा? और ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा या गर्म मुद्रा? वो अवस्था जिसे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, क्या कहलाता है? रिसेशन या मुद्रा स्फीति? और आप आंसर बताएं कि मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, उनमें से आप चुनेंगे। मुद्रा का कार्य नहीं है मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, या मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का स्थिरीकरण? इन दोनों ऑप्शन में से कौन सही है, इसको आप अच्छे से सुने और आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसे मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन? और नेक्स्ट, आप बताएं, भारत सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा से को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाएगा? मुद्रा संकुचन या विमुद्रीकरण? कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है?
मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति या मुद्रा आरक्षित अनुपात, मुक्त बाजार नीति। बार बार आप इसको सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। आप इसको अच्छे से सुने, समझें, लिखें, याद करें। थैंक यू।